बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हुमैरा अली और तुम मेरा चैनल देख रहे हो देसी विलेज फूड। और शाम के खाने में आज मैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई अपने बहन भाइयों वास्ते। और सारे बहन भाई कमेंट कर रहे कि तुम जो ना गाँव दिया देसी रेसिपियाँ जो बनाने वो बनाया करो, जो फैशनी है ना बनाया करो, ये तो असं भी बनाने। मैं कहा चलो ठीक है। जिस तरह मैं अज बना लगी हाँ लसन का मसाला कह लो, लसन की करी कह लो, कढ़ी कह लो, तो हूँ मैं ना सारिया चीज़ा तैयार करके रखी वा। तो जिस तरह मेरी अम्मी जी बनाते हैं ना देसी अंदाज के दे नाल, उस तरह मैं बनानी हाँ। तो लसन मैं कल ही नहीं छिलिया वा, तो ना मेरे च ना काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है। जो भी सब मन बुखार से तो सूट मैनू पाया वा मैं अपना जी बनानी तू लसन की करी है, बनानी तू लसन की करी तो सूट वेखो। तो जाना कितों आप जाना कितने आज जी, हर चीज़ मैं तैयार करके जरा ना रखी है। चूल्हा मैं इतने रखे वा खड़ी होकर, मेरे को कुकिंग नहीं हो होंगी क्योंकि फिर मेरी ना गर्दन जी ना झूले खी। ए जी लसन मैं काफ़ी ज़्यादा छिलिया हुआ वा, धनिया लिया वा, टमाटर ले, मिर्चा लिया वा, छोटा जहा एक प्याज लिया वा, लहसुन काफ़ी ज़्यादा लेना वा क्योंकि असी तो फिर दो जी ना, फिर मैं उस हिसाब ना लिया वा, अगर फैमिली बड़ी है फिर तुम्हें ज़्यादा लेना वा। टमाटर, मिर्चा, कुटिया, धनिया, जीरा, हल्दी, दड़ा मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और नमक, ऑयल और पानी। तो कढ़ाई लेकर चुले अग डाल दें, अग जाल ली है, सब्जी साबन कहने नहीं। मेरी बुढ़ी की लसन कितना इन्ना छली है, बिस्मिल्लाह बरकत। इन्ना क असी पानी पावे ये, इस पावे जी लसन। अगर असं लसन कुट के पावे ना, मतलब डायरैक्ट ही असं ऑयल में भुनोंगे तो फिर यदि स्मैल आएगी और डिकार भी आएंगे। ये इस तरह लसन अम्मी जी कहते होंगे जी कि इन्हू ना उबाल लीदा वा, ये मेरे अबू जी बड़े शौक ना खाते और असं भी सारे भैन भाई। छोटा जहा एक प्याज लैना, पीदी प्याज, बीपी तो नहीं बढ़ता? नहीं नहीं, बीपी बीपी नहीं ना बढ़ता, इन्हें तो लक लुक तो जोड़ा दिया दर्दा, मूँह दिया दर्दा, हाथ दिया दर्दा हटदिया। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਕਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਕਮਤ ਕਰਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਾਹ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟੱਕਰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਉਬਾਲਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਆਟਾ ਗੁੱਝਿਆ ਵਾ, ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। मेरी बस कदर मदरी जी। कैमरा कि फड़ना लेट जो। अच्छा जी, मैं ऊपर ढक्कन दिता सी, पानी खुश्क हो गया, देखो पूरा करिए मठा, बिल्कुल मठा, ते ऐ देखो नरम हो गया वा। इस तरह ना मदने ना सी दबा लांगे नु, क्योंकि इहदे विच लकड़ दा चमचा इस्तेमाल करीदा ते फिर जिहड़ा ना टाइम लग जाणा। मैं आस्ता आस्ता कर रही हूँ क्योंकि कैमरे मैन ने ना आईफोन अगर छिट्टे पै गए ना तो मेरी खैर नहीं। जी मैं कल दी मैं लेयर लगी सी ना, मैं बनाना बनाना मसाला बनाना, अगर असीं कुंडे च कुट के बनावांगे ना फिर उहदे टकार आंदे ना। तुहानूं सच्ची गल दस्सदी आ, थले ना ना रखी नूं उत्थे, वीडियो शोर ना ना आवे, जिहड़ा ना तुसीं बनाउणा वा अपने घर दे विच, और कमेंट करके भी दसना वा कि लसन दी करी तुहानूं किस तरह दी लगी आ। जिवें साग नहीं कोटी दा, साग मैं गरीब ने खाणा, इह ते चली करना है कि नाले ते पानी फिर पाणे, नहीं मैं दस रही आ। पानी नहीं पाना मतलब नहीं साफ करना। लहसुन का फालूदा हम भी खाते हैं, आप भी खा लो, बड़ा मज़ेदार होंगे बेशक। ये रेसिपी अपने घर ट्राई करके देख लो। अच्छा जी, हूँ जो पाउडर मसाले है ना, थोड़ा जहा नमक मिर्च घट रखनी है, हल्दी, दड़ा मिर्च, कुटिया धनिया, कुटिया जीरा। मैं किस दिन तू जड़ मार के कड़छी तो प्याला त्रोड़ छेड़ना। नहीं नहीं, थोड़ा जहा
तू तो और ज्यादा पा लेने लगी ਐ ਦੇਖੋ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਡੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਇੰਨੀ ਚੜਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੁੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਇਹ ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੋਰਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਕੀ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੀ ਸ਼ੋਰਬਿਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਐ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਲਾ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਕਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ कोई गर्म मसाला नहीं पावे कोई हरी मिर्च नहीं पावे क्योंकि मिर्च ये बिल्कुल हल्की रखी दी है मिर्चा अगर मैं कट के तीन चार बच्चे ना पा लिया सी हम मैं पकाऊंगी जी रोटियां फिर पकाव थोड़ी अच्छा ये जो दोपहर वाला काम हो गया फिर अल्लाह वारा से ऐसा जी दोपहर असी ना धनिए की चटनी कुटी सी इतनी मजे की बनी सी इतनी मजे की बनी सी ते आटा इन्होंने सुबह रज के खाधी मैं क्या इन्होंने कहना खानी है चटनी कुटी इन्होंने कहा मैं भी खानी है ते दो रोटियां ये खा गए एक मैं खाधी मैं अद्धी कुटी ते अद्धी रजी फिर मैं आटा गुन्या भा लिया गया फिर चाय पीती अभी दो दाने धनिए दे पाई लवें क्योंकि मैंने धनिया बहुत पसंद है हम तो धनिया की वैसे भी साढ़े घर की स्टार्टिंग आई है क्योंकि बाजी के धनिया स्प्रे हो गई थी तो साडा धनिया फिर मैं थोड़ा भाई स्मैला नहीं देता मैं तो क्या उधर हैगा वा सालन साडा बिल्कुल तैयार आ हम पकाने रोटी तो इस तरह इस रेसिपी जरूर ट्राई करना वा तो अगर अच्छी लगे साड़ी वीडियो में लाइक कर दियो शेयर कर दियो अपने दोस्तों के नाल ताकि हर वीडियो मेरी ना टाइम ना पहुँच जाए और कमेंट करके जरूर दस्या करो जी असी मतलब अगे मैं की बनावा अपने भैन भाइयों वास्ते तो फिर इंशाल्लाह मैं उस रेसिपी बनाया करूँगी रब सोने के हवाले रब राखा अल्लाह हाफिज़।